फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने बेसिक बेसिक समझाया था पूरे पैनल के बारे में, तो आज मैं एक पेपर पे समझाऊंगा कि पेपर पे ड्राइंग किस तरह, मतलब ड्राइंग की किस तरह एमसीबी स्टार्टिंग होती है, जिससे और अच्छे से आपको समझ आ जाए। एक बार आपको हम आपको इलेक्ट्रिकल पैनल के बारे में अब बताते हैं ड्राइंग पे। पहले मैंने उसके बारे में बताई है। सबसे पहले एक कनेक्टर में आ गई, ये आपकी कनेक्टर में आ गई L1, L2, L3 और एक न्यूट्रल, ये आपकी एक कनेक्टर में आ गई। कनेक्टर में दिखा देता हूँ किस तरह, इस तरह के कनेक्टर में आ गई। कनेक्टर के बाद हमेशा MCB में जाएगी, कनेक्टर के बाद जाएगी MCB में जाएगी। MCB में से जैसे हमारी एक 32 एम्पियर की हो गई आपकी मेन MCB के बाद फिर एक जंक्शन की तरह MCB में डिवाइड होगी, अलग अलग छोटी छोटी MCB। अगर ये 32 की है तो अगर आपकी MCB में अलग अलग में जाएगी कि ये 10 एम्पियर की MCB हो गई और आपकी अलग हो गई एक MCB, वो 12 एम्पियर की हो गई और एक 6 एम्पियर की हो गई MCB, ऐसे अलग अलग के लिए जाएगी। जैसे मोटर की आपकी ज़रूरत है, जैसे 4 MCB में चली गई, ये आपकी 10 एम्पियर की हो गई ये भी। अब क्या होगा, MCB में से आउटपुट ये निकलेगी, ये आउटपुट जो निकलेगी ये एक आपकी, जैसे ये ड्राइव को चली गई, एक ड्राइव को चली गई मोटर को ऑन करने के लिए, एक आपकी जैसे चली गई कॉन्टैक्टर को, और एक चली गई जैसे आपकी कुछ चीज़ की, वैसे आपकी बल्ब वल्ब या कोई चीज़ है आपकी, उन चीज़ों की चली गई, या फिर आपकी SMPS में चली गई। और ये आपकी जैसे अलग अलग MC में अलग अलग चीज़ों के लिए चल जाती हैं, किसी चीज़ के लिए, ये भी आपकी किसी ये लगा लो किसी भी चीज़ के लिए चली गई, हमारी डेस्क के लिए चली गई ये MCB। तो अब ये तो हो गई डायरेक्ट कनेक्शन हो गए। अब इन्हें कंट्रोलिंग गैस करेंगे, जैसे एक SMPS, ये हमारा एक SMPS हो गया, ये हमारा हो गया एक SMPS। SMPS में आपने 220 दी, आउटपुट में निकली 24 वोल्ट DC। अब SMPS में जाएगी HMI में, और HMI और आपकी जाएगी PLC में, HMI और PLC में। मैं इसकी PLC की पूरी कंट्रोलिंग भी बताऊंगा, और PLC से जो आउटपुट निकलेगी वो जाएगी आपकी रिले कार्ड में। जैसे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये जैसे आपका रिले कार्ड PLC में आई, PLC से रिले चैनल कार्ड में। रिले चैनल कार्ड क्या करेगा, ये ही कॉन्टैक्टर की होल्डिंग A1 जो और A2 है, ये कॉन्टैक्टर की होल्डिंग में देगा, क्योंकि आप ये देखो एक कॉन्टैक्टर होता है ना, जैसे एक कॉन्टैक्टर हुआ आपका, तो A1 और A2 ये हो गए हमारे होल्डिंग, और तीन होते हैं सप्लाई, जैसे R Y B, ये तो हो गई MCB में से आ गई आपकी। पर जो होल्डिंग होगी वो आपकी रिले से निकलेगी, रिले ऑपरेट करेगी, तब आपकी कॉन्टैक्टर होल्ड होगा और अनहोल्ड होगा, या ड्राइव ऑन होगी किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए। तो ऐसे एक पैनल की वायरिंग होती है। अगर आपको पहले चेक करना है तो किस तरह चेक करें कि PLC, सबसे पहले ये देखें PLC आपकी 24 वोल्ट निकाल रही है रिले कार्ड को या नहीं निकाल रही। रिले कार्ड से फिर ये देखें कि वो कॉन्टैक्टर को जा रही है या नहीं जा रही। इस तरह एक पैनल की वायरिंग होती है। अब मैं एक बार आपको PLC के बारे में और बताऊंगा कि PLC किस तरह ऑपरेट होती है।